ये देखिए, ये डिज़ाइनर फ्रॉक जो है वो गले से शुरू होती है, इसलिए मैंने यहाँ गले पे 60 फंदे डाले हैं और 12 फंदे पट्टी की, छः फंदे एक साइड और 6 फंदे एक साइड। ये देखिए, दोनों साइड मैंने इधर और इधर 6 6 फंदे हमारे बटन पट्टी हैं और बीच में हमारे 60 फंदे हैं, और मैंने उल्टी सीधे तरफ से भी उल्टा बिना है और उल्टे तरफ से भी उल्टा बिन करके ये 1 2 3 धारियाँ अब हमारे बन गई हैं। इसके आगे देखिए कैसे बनाएंगे। ये शुरू की जो बटन पट्टी के 6 फंदे हैं, इन्हें हम उल्टा ही बिनेंगे। ये 3 4 5 6, अब उन पीछे करके ये बीच के 60 फंदे पूरे हमारे सीधे सीधे रहेंगे, फिर ये लास्ट के जो 6 फंदे हैं वो उल्टे उल्टे बिने जाएंगे। ये देखिए, ये मैंने पूरा ये सीधा सीधा बिन लिया और साइड में बटन की पट्टी 6 फंदे बिन ले। इस तरह से अब ये उल्टी सिलाई पे ये पूरा उल्टा ही बिना जाएगा, फिर ये एक सीधा और एक उल्टा, ये 4 सिलाइयाँ ऐसे ही प्लेन बिनी जाएंगी। ये देखिए, ये हमारी 4 सिलाइयाँ बन गई हैं। फिर 5वीं सिलाई में ये देखिए, ये हमेशा हर बार जो है शुरू में और आखिर में बटन पट्टी है जो हमारे 6 फंदे की है, जिसको मैं उल्टा उल्टा बनाती हूँ। और इसके बाद अब 1 2 3 सीधा ऊन आगे करके फिर हमारे 3 सीधे हो जाएंगे, 1 2 3। ये देखिए, ये जाली से हमारा एक फंदा बढ़ गया। फिर ऊन आगे करेंगे, 1 2 3, फिर ऊन आगे एक, और इस तरह से ये 3 3 फंदे सीधे बना के एक एक जाली करते ये पूरी सिलाई बिनी जाएगी। ये देखिए, आखिरी में भी ये ऊन आगे करके 1 2 3, फिर ऊन आगे, और लास्ट में अब हमारे सिर्फ 2 ही फंदे बचेंगे। फिर ऊन आगे करके ये बटन पट्टी हमारी आ गई लास्ट में, ये उल्टी के ऊपर उल्टा बिना गया। इसके बाद उल्टी सिलाई पूरी इस तरफ से हमारी पूरी उल्टी बिनी जाएगी, फिर एक सिलाई सीधी और एक सिलाई उल्टी, इस तरह से हमारी यहाँ ये 4 सिलाई फिर बिनी जाएगी। ये देखिए, जाली वाली एक सिलाई हो गई और बाद में 3 सिलाई और, ये 4 सिलाई अब हमारी कंप्लीट हो गई। अब 5वीं सिलाई फिर ये देखिए, ये बटन पट्टी जो है वो उल्टी ही रहेगी, ये 4 5 6 फंदे। अब पहले हम 2 फंदे सीधे बीन लेंगे ऊन आगे, अब हम 4 फंदे सीधे बीनेंगे, 1 2 3 4, फिर ऊन आगे 1 2 3 4, फिर ऊन आगे 1 2 3 4, और इस तरह से हम बीनते हुए यहाँ लास्ट तक आएंगे। ये देखिए, ये आखिर तक मैं आ गई ऊन आगे करके, 1 2 3 4, फिर ऊन आगे, अब हमारे यहाँ सारे फंदे सीधे ही रहेंगे, ये 1 2 3 4 5। अब यहाँ हमारी बटन पट्टी आ गई, ये ऊन आगे करके ये बटन पट्टी जो है उल्टे ये पूरी बिनी गई। अब इसके बाद ये देखिए, ये एक सिलाई ये जाली वाली हो गई और 3 सिलाई अब प्लेन और बिनी जाएंगी, तो ये एक जाली की सिलाई और 3 और, मीन्स 4 सिलाइयाँ अब फिर प्लेन ही रहेंगी। ये देखिए, मेरी ये एक लाइन जाली बन गई, ये दूसरी जाली बन गई, अब हम तीसरी जाली पे आ गए हैं। ये बॉर्डर का मैंने 6 फंदे बिन लिए, अब यहाँ पे हमारे 5 फंदे सीधे हो जाएंगे, 2 3 4 5, अब ऊन आगे करके फिर 1 सीधा 2 3 4 5, इस बार 5 5 फंदे बिने जाएंगे, ऊन आगे करेंगे और 5 सीधे, 1 2 3 4 5, इस तरह से हम यहाँ लास्ट तक आएंगे। ये देखिए, ये आखिर तक हम आ गए हैं, ये ऊन आगे किया, 1 2 3 4 5, फिर
उन आगे, अब हमारे यहाँ सिर्फ तीन ही फंदे बचे हैं, इन तीन फंदों को ही हम सीधा बिनेंगे। और फिर ये लास्ट के हमारे बटन पट्टी, जो छह फंदे उल्टे बिने जाते हैं। अब ये देखिए, ये जाली की एक सिलाई हमने बना ली, अब तीन सिलाई और प्लेन बिनेंगे, तो हमारी चार सिलाई फिर ऐसे ही बिनी जाएगी। ये देखिए, अब हमारी एक दो तीन जाली बन गई। अब चौथी जाली कैसे बनेगी? ये देखिए, चौथी लाइन की जाली, ये शुरू के हमारे जो हैं छह फंदे उल्टे उल्टे बटन पट्टी के। अब हमारे एक दो तीन फंदे सीधे के बाद ऊन आगे, अब हमारे छह सीधे हो जाएंगे। एक दो तीन चार पाँच छः, फिर ऊन आगे, छः सीधे, ऐसे ही ये हम पूरी सिलाई बनाएंगे। ये देखिए, अब एकदम लास्ट में आ गए हैं, ऊन आगे, एक दो तीन चार पाँच छः फंदे हमारे हो गए। अब ऊन आगे करके ये हमारी बटन पट्टी आ गई है। ये देखिए, छह फंदे ये मैंने बिन लिया। अब इधर बैक साइड से अब हमारा ये ऑफ वाइट कलर लगेगा, उल्टी सिलाई से इस वाइट कलर को हम बिनेंगे। पूरी सिलाई ऐसे ही ये वाइट कलर से बिनी जाएगी, और सीधे तरफ से फिर एक सिलाई और वाइट कलर से बिनी जाएगी। इसके मतलब दो लाइन जो है हमारी अब वाइट कलर से बिने जाएंगे। ये देखिए, यहाँ पे मैंने उल्टी सिलाई से जो वाइट लगाया था और सीधी सिलाई पे वाइट, ये दो सिलाई जो है वाइट कलर से बिन लिया है। फिर ये ग्रीन कलर हमने यहाँ पीछे से बैक साइड से लगाया, और सीधी सिलाई पे भी उल्टा बिना है और उल्टी सिलाई पे भी उल्टा, ये मतलब एक धारी हमारी उल्टी आ गई है। अब यहाँ पे हमारे छह फंदे इधर पट्टी के हैं और छह फंदे इधर पट्टी के हैं, और बीच में अब हमारे 135 फंदे बचे हैं। इन 135 फंदों में अब आगे पीछे के फंदे अलग होंगे, वो देखिए कैसे बिने जाएंगे। ये शुरू के हमारे ये पट्टी के ये छह फंदे उल्टे उल्टे ही रहेंगे, ये पांच हो गए और एक ये छह। अब यहाँ से हमारे 20 फंदे आगे के पल्ले के रहेंगे, 20 फंदे हम उल्टे बिनेंगे। ये देखिए, हमारे 20 फंदे उल्टे बिन लिए हैं। अब यहाँ के मुड्ढे घटेंगे, यहाँ से हम 28 फंदे मुड्ढे के घटा देंगे। ये देखिए, दो बिन करके और ये एक फंदा उतार दिया, ये एक फंदा घटा, ये दो तीन ये चार पाँच, इस तरह से हम 28 फंदे बीच के घटा देंगे। ये देखिए, 28 फंदे मैंने बीच के बंद कर दिए हैं। अब यहाँ पे हमारे 39 फंदे जो हैं वो उल्टे बीने जाएंगे, क्योंकि एक फंदा हमारा कम था, तो हम बाद में अगली सिलाई में इसमें बढ़ा लेंगे। ये देखिए, 39 फंदे हमारे बिन गए। अब यहाँ पे फिर 28 यानी 28 फंदे फिर हम बंद कर देंगे दूसरी आस्तीन के लिए। ये एक दो तीन, ये देखिए यहाँ पे मैंने 28 फंदे बंद कर दिए। अब यहाँ मेरे 20 फंदे बचे हैं, जिनको मैं उल्टा उल्टा बनाऊंगी और बटन पट्टी की उल्टी उल्टी। इसको ये देखिए, ऐसे जब हम सीधा रखेंगे तो इस तरह से ये हमारी छोटी सी आस्तीन निकल आई, और ये आगे का पल्ला। अब इसको लाइन को बिन के दिखाती हूँ कि इसका बैक साइड कैसे बिना जाएगा। ये देखिए, मैंने उल्टी सिलाई ये पूरी उल्टी उल्टी बिन ली है। ये लास्ट के दो फंदे हैं, इनको भी ऐसे उल्टा बिन लिया। अब इस सिलाई को ऐसे सीधा करने के बाद यहाँ पर हम छह फंदे बढ़ाएंगे। ये देखिए, ये ऐसे बीन के इस सिलाई पे उतार दिया, एक, फिर ये आखिरी वाले फंदे को जैसे बीना जाता है ऐसे बीन कर इस पे डाल दिया, दो, तीन,
ये हो गया चार, पांच और ये छह फंदे। फिर सिलाई को पलट करके ये छह फंदे जो बढ़े हैं और इसके बाद ये पीछे के पल्ले को इसी में जोड़ बिलाते हुए पूरा ये बुनते चले जाएंगे। इस तरह से जब हम यहाँ तक पीछे का पूरा बुनते हुए आएंगे, ये आखिरी फंदे के इसमें फिर सीधे करके और छह फंदे हम बढ़ाएंगे और फिर इसको मिला करके पूरा एक पल्ला बना लेंगे। फिर सीधी तरफ से सीधा और उल्टी तरफ से उल्टा ये पूरा स्वेटर आके बिना जाएगा। ये देखिए, यहाँ जो फंदे बढ़ाए थे यहाँ से पूरा ये प्लेन बिनते चले आए हैं। यहाँ आकर के लास्ट में ये उल्टी उल्टी की चार धारियाँ ये पट्टी बन गई हैं। इस तरह से ये मेरा स्वेटर तैयार हो गया है। आइए इसको सीधा करके देखते हैं। ये न्यू बॉर्न बेबी का ये प्यारा सा स्वेटर ये हमारा बन करके तैयार हो गया। मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।